जय हिंद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में बहुत ही बड़ा फेरबदल किया है। इस कैबिनेट में कई युवा और नए चेहरे को शामिल किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल मंत्री कुछ इस प्रकार हैं: राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री व कॉरपोरेट मामले मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि व किसान कल्याण मंत्री, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्री, अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामले मंत्री, स्मृति ईरानी को महिला व बाल विकास मंत्री, पीयूष गोयल को वाणिज्य व उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री व कपड़ा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री। नारायण राणे को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री। सर्वानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामले मंत्री। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री। किरण रिजिजू को कानून व न्याय मंत्री। राजकुमार सिंह को ऊर्जा मंत्री। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम व गैस मंत्री, आवास व शहरी मामलों के मंत्री। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री, रसायन व उर्वरक मंत्री। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम व रोजगार मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे को भारी उद्योग मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। जी किशन रेड्डी को संस्कृत मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। अनुराग ठाकुर को सूचना व प्रसारण मंत्री, युवा व खेल मामले मंत्री। तो दोस्तों, अभी आपने सुना केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के नाम और उनके विभाग। अब आगे हम चर्चा करेंगे राज्य कैबिनेट मंत्रियों की नाम और उनके विभाग। राज्य मंत्रियों की सूची और उनके विभाग कुछ इस प्रकार है: श्रीपद यशो नायक को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। फग्गन सिंह कुलस्ते को इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। प्रहलाद सिंह पटेल जी को जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। अश्विनी कुमार चौबे जी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल जी को संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री। कृष्ण पाल जी को विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। दानवे राव साहेब दादा राव जी को रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामदास अठावले जी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। साध्वी निरंजन ज्योति जी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, इनको मिला है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री। नित्यानंद राय जी को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। पंकज चौधरी जी को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री। अनुप्रिया सिंह पटेल को वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। एसपी सिंह बघेल जी को कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री। राजीव चंद्रशेखर जी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री। शोभा करंदलाजे, इनको मिला है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। भानु प्रताप सिंह वर्मा जी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री। दर्शन विक्रम जरदोश जी को कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। वी मुरलीधरन जी को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। मीनाक्षी लेखी जी को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। सोम प्रकाश जी को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। रेणुका सिंह सरूता जी को जनजातीय मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामेश्वर तेली जी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री। कैलाश चौधरी जी को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। अन्नपूर्णा देवी जी को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। ए नारायण स्वामी जी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। कौशल किशोर जी को आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री। अजय भट्ट जी को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। बी एल वर्मा जी को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। अजय कुमार को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। देवू सिंह चौहान को संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री। भगवंत खुब्बा जी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री। कपिल मोरेश्वर पाटिल जी को पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री। प्रतिमा भौमिक जी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर सुभाष सरकार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर भारती परवीन पवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। विशेश्वर टुड्डू को जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।
डॉक्टर मुंजा पारा महेंद्र भाई जी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री, जॉन बारला को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर एल मुरुगन को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री। निशिथ प्रमाणिक जी को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो दोस्तों, आपने अभी सुना केंद्रीय और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के नाम और उनके विभाग। नरेंद्र मोदी जी का ये कैबिनेट फेरबदल आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही न्यूज़ और करेंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटा आएगा, उसे आप प्रेस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।